हेलो एंड वेलकम टू ऑल दी थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कप्तान आया, क्या होगी प्लेइंग 11 टीम इंडिया के दूसरे मैच में, सब कुछ साफ साफ बताया। जी हाँ, रोहित शर्मा जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रखे थे, कल यानी 20 जुलाई को खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच सेकेंड टेस्ट मैच। और पहला मैच हमें पता है किस तरह से डोमिनिका में टीम इंडिया ने दर्ज की थी बड़ी ही आसानी से। और इस दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 से पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उसे पूछा जाता है कि क्या कोई बदलाव होने वाले हैं टीम में, क्या कोई चेंजेस होने वाले हैं, तो वहां पर रोहित शर्मा साफ तौर पर कहते हैं कि हमें डोमिनिका की परिस्थितियां पता थी किस प्रकार से होंगी और उस प्रकार से हमने देखा था। लेकिन जब हम पोर्ट ऑफ स्पेन जहां पर ये मुकाबला खेला जाने वाला है दूसरा टेस्ट मैच, वहां पर जाएंगे तो परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करने की सोचेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम अभी के हिसाब से कहें तो हम बहुत ज्यादा बदलाव करने के मूड में नहीं है, हम उसी टीम के साथ उतरना चाहेंगे। हालांकि अगर परिस्थितियां उस प्रकार से होती हैं तो एक चेंजेस भले आप देख सकते हैं छोटा मोटा कोई, लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस कोई बड़े बदलाव आपको नजर नहीं आने वाले हैं। इसके बाद ईशान किशन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ईशान किशन बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, हमने उनकी कीपिंग देखी, कीपिंग में जिस तरह से वहां पर बॉल टर्न हो रहा था डोमिनिका में, अश्विन और जडेजा की बॉलें पकड़ पाना काफी मुश्किल था, लेकिन वहां पर ईशान किशन ने बखूबी वो काम किया, अच्छे तरीके से किया, तो हम उन्हें मौका देना चाहते हैं और अगले मैच में भी आप उन्हें देखेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि बल्लेबाजी पहले टेस्ट मैच में ईशान नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, तो यानी रोहित शर्मा मानते हैं कि अगर बल्लेबाजी ईशान किशन की दूसरे टेस्ट मैच में नहीं आती हुई दिख रही होती तो शायद टीम को ऊपर प्रमोट कर सकती है। अभी देखना दिलचस्प होगा क्या ईशान किशन बैटिंग करते दिखेंगे दूसरे टेस्ट मैच में या फिर नहीं, आप बताइए आपको क्या लगता है। और रोहित की माने तो उन्होंने कोई चेंजेस करने से मना कर दिए दूसरे टेस्ट मैच में, वो सेम टीम के साथ जाना चाह रहे हैं। आप बताइए आपको भी लगता है सेम टीम के साथ जाना चाहिए टीम इंडिया को या फिर कुछ चेंजेस बनते हैं।